हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। सो रीडिंग जो इस वक्त मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए है ये रीडिंग। अगर आपके पर्सन के साथ में इस टाइम पर आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ऑन ऑफ सिचुएशन है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस, तभी आप इस रीडिंग को देखेंगे, वरना आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। एंड जनरल बेसिस की रीडिंग है। सो अगर आपके साथ में रेजोनेट करती है गाइस, तभी आप इस रीडिंग को देखेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए ओम नमः शिवाय एंड थैंक टू यूनिवर्स। पॉजिटिव होकर देखे इस टाइमलेस रीडिंग को। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी लोगों को जिन किसी की भी जो है रीयूनियन इस टाइम पर हुए हैं, मैंने उन सभी को जो है कॉन्ग्रेचुलेशन विश करना चाहती हूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। अब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ गाइस इस रीडिंग को। इस टाइम पर क्या कुछ एनर्जीज आ रही है। सो रीडिंग देखने से पहले अपने पर्सन का नेम जो है ज़रूर से लिखे कमेंट सेक्शन में, अपना नेम ज़रूर से लिखे। एंड देखिए किस टाइम पर आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो क्या कुछ एनर्जी आ रही है उनकी करंटली बेसिस पर आपको लेकर, या फिर इस रिलेशन को लेकर, या फिर थर्ड पर्सन को लेकर। जो भी एनर्जी उनकी आएगी, मैं एनर्जीज के बेसिस पर ही गाइस आज इस रीडिंग को आगे लेकर जाने वाली हूँ। सो एनर्जीज का वेट करेंगे। ओके, सो फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी। तो स्टार्टिंग का जो कार्ड है गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग के कार्ड में जो एनर्जी आ जाए, सबसे पहली वाइब्रेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक हैवी वाइब्रेशन मिल रही है, एक हैवी एनर्जी नज़र आ रही है जो आज इन पर्सन के साथ में है। यानी कि इन पर्सन के किसी के साथ में जैसे कोई आर्ग्यूमेंट मुझे नज़र आ रही है, जैसे लड़ाई झगड़े की एनर्जीज होती है, बहस की एनर्जी होती है। जैसे आज इन पर्सन को मन में कहीं ना कहीं उलझन रहने वाली है। आज इस टाइम पर इन पर्सन के मन में किसी बात को लेकर उलझन है, या फिर इनको ऐसा अंदर से लग रहा है जैसे कोई इनकी इमोशंस की कदर नहीं करता, कोई इनकी परवाह नहीं करता। अपनी लाइफ में अकेलापन ही पर्सन महसूस कर सकते हैं, या फिर किसी के ऊपर जैसे आज इनको बहुत ज़्यादा नाराज़गी आ रही है, या फिर कोई पर्सन आज इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है गाइस, तो यहाँ पर मुझे हाईली एनर्जी मिल रही है कि पर्सन आज थर्ड पार्टी के साथ में, इनकी मुझे सेम यही एनर्जी नज़र आ रही है जो इस कार्ड में स्टैम्प पर आप देख सकते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट से भरी रह सकती है। आज इन पर्सन अगर अपनी जो है इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आज के दिन में कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जिससे बाद में इन पर्सन को भले ही रिग्रेट लगे, पछतावा लगे कि हाँ मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। बट उस टाइम पे पर्सन जो है अपनी फीलिंग को आज कहकर ही रहेंगे, ऐसी चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड बाद में यहाँ पर एनर्जी मुझे यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल की मिल रही है। बहुत कुछ सोच रहे हैं आज के दिन में ये पर्सन, इस टाइम पर बहुत कुछ सोच रहे हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जीज पूरी तरह से आज इन पर्सन को जैसे एक तरीके से घेरे हुए मुझे नज़र आ रही है। एंड टू ऑफ कप्स की जो एनर्जीज निकल कर आ रही है इनकी, ये मुझे आपके लिए निकल कर आ रही है कि सेवन ऑफ पेंटिकल के साथ में टू ऑफ कप्स की एनर्जी जो मुझे बता रही है कि ये पर्सन आज शायद वो दिन याद कर रहे हैं कि इस टाइम पर जब आप दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, या फर्स्ट टाइम आप दोनों एक दूसरे से जो है मिले थे, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। या फिर कोई जैसे इन्होंने जब कोई आपसे कोई प्रॉमिस किया, कोई वादा किया, कोई कमिटमेंट दिया, ऐसा कोई दिन जो है इस टाइम पर याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई अचानक से ऐसी चीज़ हुई है आज इनकी लाइफ में, या इस टाइम पर हो रही है, जिससे इनको ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है कि इससे अचानक ही चीज़ों को याद आई। हो सकता है इससे पहले ये सभी चीज़ें जो है ये पर्सन ना भी सोच रहे हो, बट अचानक ही इन पर्सन को इन चीज़ों की तरफ से जो है ध्यान जा रहा है। इन चीज़ों की तरफ ध्यान देते देते मैं देख रही हूँ, तो पूरी तरह से इन पर्सन का जो है मूड चेंजेस मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ध्यान जैसे चेंज हो गया हो, जो वर्क कर रहे थे उसके ऊपर से इनका एकदम फोकस हट गया। अगर ये पर्सन किसी फ्रेंड के साथ थे, फैमिली के साथ में थे, तो उनकी तरफ से पूरी तरह से इनका फोकस जो है हट जाएगा। और ये पर्सन बस उसी एक बात के बारे में सोचेंगे, जैसे या तो आपका फेस के बारे में सोच रहे हो, आपके नेम के बारे में सोच रहे हो, या फिर कुछ ऐसा है जो आज पूरी तरह से पर्सन जो है अपने पास्ट को ही सोचने वाले। जैसे आज के दिन में बस ये पास्ट को ही सोचेंगे, पास्ट की बातों को सोचेंगे, और इन चीज़ों को सोच सोच कर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे, चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, महसूस करेंगे पास्ट की चीज़ों को, और अभी इस टाइम पर जो इनकी प्रेजेंट में सिचुएशन चल रही है उसको सोचने वाले हैं ये पर्सन। और उसको सोच सोच कर कहीं ना कहीं इनका जो मूड है वो बहुत तेज़ी से मुझे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मूड एकदम से बदल जाना, और इतना ज़्यादा कि हो सकता है कोई फ्रेंड या फैमिली इनसे आकर के पूछे कि आखिर किस बात पर आप इतना ज़्यादा स्टैम्प पर तो नाराज़ बैठे हुए हो, या फिर परेशान नज़र आ रहे हो, क्योंकि एकदम से इनका कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनके आज फेस पर आ जाएंगी कि इतना ज़्यादा ये पर्सन परेशान हो रहे हैं कि अंदर से बॉटम ऑफ द डेक की
एनर्जी जो मुझे यहाँ पर मिल रही है वो टू ऑफ सूट्स की मिल रही है, कि अंदर से बिल्कुल इन पर्सन को आज ऐसा लगेगा कि अब इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपना पास्ट चाहिए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आज इन पर्सन की निकल कर आ रही है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी है, कि अभी पर्सन अंदर से कुछ भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपने पास्ट में वापस लौट जाए। आखिर कब तक ये पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ अपने पास्ट को सोचेंगे या फिर उसके बारे में याद करके दुखी होंगे? अभी ये पर्सन हकीकत में अपना जो है पास्ट वापस चाहते हैं। जो पास्ट की एनर्जी गाइस मैं यहाँ पर बोल रही हूँ वो आपके लिए है, क्योंकि एनर्जी को इस टाइम पर आप देख रहे हैं, अपने पर्सन को नाम जो है इस वक्त नेम जो है आप ले रहे हैं, तो इनकी एनर्जी पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। ये पर्सन अब अपने, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं, और ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके लिए भी हो सकती है कि पर्सन आज जल्दबाजी में आकर, आनन फानन में आकर जो है आपको कॉल कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और ये एनर्जी अगर आपके साथ में आज रेजोनेट हो रही है तो आज भी हो सकती है, क्योंकि गाइस कलेक्टिव बेसिस पे रीडिंग है, जनरल बेसिस की रीडिंग है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में या नेक्स्ट कुछ आवर्स जो है उसमें इनकी ऐसी एनर्जी हो सकती है। क्योंकि मुझे यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जीज है, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, टू नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट टू आवर्स, नेक्स्ट टू डेज, नेक्स्ट टू वीक्स, ऐसे जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि पर्सन जो है अचानक आपकी लाइफ में कम बैक हो जाए, आपसे मिलने आ जाए अचानक से, और अपनी सारी बातों को बिना अपनी चीज़ों को कंट्रोल में करे या फिर बिना अपने मन में किसी बर्डन को रखे सारी बातें कह सकते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है इन पर्सन ने बहुत ज़्यादा जो है पेशेंस रखा है, और इतना ज़्यादा पेशेंस रखने के बाद अब ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग को कहना चाहते हैं, और अगर ये पर्सन अपनी फीलिंग को नहीं कह पा रहे तो अग्रेसिव एनर्जीज आ रही हैं। चेंजेस के कार्ड की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आती हैं गाइज आपकी रीडिंग में। मुझे बार बार लगता है कि इन पर्सन के तरफ से आपकी लाइफ में कोई जो है चेंज बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है, और चेंज अपनी सो बहुत ही ज़्यादा एक यहाँ पर एक एनर्जी जो आई है, मैं उसको ले लेती हूँ एंड अच्छे से स्टडी करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है इस टाइम पर वो चेंज और फूल के कार्ड के साथ में है। यानी कि अभी पर्सन चेंज करना चाहते हैं अपनी उस मिस्टेक को, अपनी उस गलती को, अपनी उस बात को जो यहाँ पर जो इनसे मिस्टेक हुई है पास्ट में, यानी कि पास्ट में इनसे क्या मिस्टेक हुई है गाइस, पास्ट में इनसे ऐसी क्या गलती हुई है, कमेंट ज़रूर करिए, जिसका इतना ज़्यादा रियलाइजेशन है इन पर्सन को कि आज तक ये पर्सन उस चीज़ को जो है भूल नहीं पाए हैं, आज तक उस चीज़ को ये पर्सन याद करते हैं कि हाँ अगर काश मुझसे वो मिस्टेक ना हुई होती, मुझसे वो गलती ना हुई होती तो आज ये चीज़ें जो है डिस्टर्ब ना होती। उस मिस्टेक को ये पर्सन आप सुधारने के लिए जैसे एकदम इन पर्सन ने कसम खा ली है अपने आप से, कहीं ना कहीं अंदर से ये पर्सन ने वादा किया है कि अपनी उस मिस्टेक को ये पर्सन सुधारेंगे, लाइफ टाइम कहीं ना कहीं रिग्रेट नहीं चाहते हैं ये पर्सन। इस टाइम पर ये एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है आज इन पर्सन की। जो भी पर्सन है गाइस जिन किसी के साथ में भी जो एनर्जी है रेजोनेट हो रही है, अब मैं ये एनर्जीज आपके लिए लेना स्टार्ट कर रही हूँ, कि ये तो है आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी क्या है इन पर्सन के लिए इस टाइम पर आप जो रीडिंग देख रहे हो गाइस। तो पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस वक्त जो वीडियो पे नंबर आ रहा है गाइस उसी से मुझे कॉन्टैक्ट करें, कमेंट सेक्शन से मुझे आप कभी भी कॉन्टैक्ट जो है ना करें, क्योंकि मैं वहाँ नंबर नहीं देती हूँ। सो करें इसकी एनर्जीज आपके लिए, बहुत ज़्यादा एक हिम्मती वाली एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने वाले इंसान है, बहुत पेशेंस रखा है आपने, बहुत सब्र किया है, बहुत इंतज़ार किया है अपने पर्सन का, ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। जो जो चीज़ें होती जा रही हैं कहीं ना कहीं आप उसमें गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज़ में जा रहे हैं, यानी कि अपने पर्सन के लिए हर वक्त जो है आप साथ निभाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आप उनकी हेल्प के लिए तैयार हैं, उनकी मदद के लिए तैयार हैं। और द मास्टर हीलिंग की एनर्जीज, आप अपने रिलेशन में कुछ चेंजेस चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं कि जैसे ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में कम बैक हो जाए, चीज़ें जो हैं बदल जाएं जो आपके रिलेशन में इस टाइम पर हो रही हैं, कि अगर आपने इन पर्सन के लिए जो कुछ भी किया कहीं ना कहीं आप बस ये चाहते हो कि रिटर्न में ये पर्सन आपकी लाइफ से अगर दूर गए हैं तो आपकी लाइफ में कम बैक हो जाए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है ख़त्म हो जाए, इतना आप रिटर्न में कहीं ना कहीं बस चाहते हैं अपने पर्सन की तरफ से। गाइडेंस की एनर्जी मेरे पास में आ रही है, कंपेरिजन की एनर्जीज़, एक्सपीरियंस एंड प्लेफुलनेस।
सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम पर आप में से कुछ लोग जो है अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस को लाना चाहते हैं। चेंज की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, जैसे अपनी लाइफ में आप कोई चेंज लाना चाहते हो, अपने या तो करियर में आप चेंज लाना चाहते हो, अपने फाइनेंस में लाना चाहते हो, कोई ऐसी चीज़ है जो इस टाइम पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, आप उससे भी जो है बाहर निकलना चाहते हो। अपने पास्ट के टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आप, ये एनर्जी को भी मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अपने पास्ट को बहुत याद करते हो, बहुत कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हो या फिर अकेले में रो देते हो इस बात को याद करके कि मेरा पास्ट कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। अलोन की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आप अकेलापन जैसे महसूस करते हो और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको राह समझ में नहीं आ रही है इस टाइम पर, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। और बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है स्नो कॉन्टैक्ट में, क्योंकि पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है आपकी, आपकी भी हो सकती है कि स्नो कॉन्टैक्ट में कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें जो है आपने महसूस करी, जो चीज़ें आपने नहीं सोची थी आपकी लाइफ में, वो चीज़ें कुछ ना कुछ जो है आपने ऐसी भी नहीं महसूस करी। सो गाइज आई होप के साथ मुझे रीडिंग है, रेजोनेट की हो टू द टाइम, टेक एंड हैव अ नाइस डे।